महेंद्र सिंह धोनी ने घोषित की चेन्नई सुपर किंग्स की खतरनाक प्लेइंग 11। इन चार खिलाड़ियों की हुई टीम में वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जहाँ पर कई शानदार खिलाड़ियों को टीम में मौका मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ ये टीम मैदान पर उतरेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से खिलाड़ी है जो टीम में इस बार वापसी करते हुए दिखेंगे। इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इस मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी फेवरेट टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करे तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में। तो आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम जो कि आईपीएल के सबसे खतरनाक कप्तान यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक बार फिर मैदान पर उतरेगी। आईपीएल 2023 में 16वें संस्करण में यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हमें करती हुई दिखेगी, जहाँ पर आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला था। लेकिन पिछले रिकॉर्डों को देखें तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अब तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल के 4 खिताब भी अपने नाम पर कर लिए हैं और अब 5वां खिताब अपने नाम पर करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं, जहाँ पर कई शानदार खिलाड़ियों की भी टीम में वापसी करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के उन 4 बब्बर शेरों की बात करें जो टीम में वापसी करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर टीम की ओपनिंग जोड़ी के बारे में। तो यहाँ पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से हमें खेलते हुए दिखेंगे डेविन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़। जहाँ पर डेविन कॉनवे को देखें तो वो भी काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी है। तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए अब तक ओपनिंग करते हुए आए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर कमाल की शुरुआत हमें ये करते हुए दिखेंगे। वैसे यहाँ पर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की सबसे बड़ी खासियत ये देखने को मिली है तो इस टीम ने अब तक अपने पुराने खिलाड़ियों को ही रिटर्न किया है। यानी कि यहाँ पर अब तक देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने उन्हीं खिलाड़ियों पर यकीन जताती है जो अब तक आईपीएल में इस टीम के साथ जुड़ते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर मध्य क्रम के बारे में। तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में हमें खेलते हुए दिखेंगे इस टीम की तरफ से मोहिन अली, अंबाती रायडू, साथ ही साथ यहाँ पर बेन स्टोक्स, यानी कि बेन स्टोक्स जैसा खतरनाक खिलाड़ी, साथ ही मोहिन अली जैसा शानदार बल्लेबाज भी टीम में शामिल है जो कि इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर निचले क्रम के बारे में, जो कि लोअर ऑर्डर में हमें खेलते हुए दिखेंगे रविंद्र जडेजा, जो कि काफ़ी शानदार विकेट चटकाते हैं और कमाल का परफॉर्मेंस इनका देखने को मिलता है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा शानदार परफॉर्मेंस हमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से करते हुए दिखेंगे। तो इसके साथ ही निचले ऑर्डर में हमें शामिल होते हुए दिखेंगे यहाँ पर टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे। इसके साथ ही हम बात करें इस टीम के गेंदबाजों की, तो गेंदबाजी में दीपक चाहर, महेश तेक्षणा और मुकेश चौधरी जैसे खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में जोड़ा गया है जो कि इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। यानी कि यहाँ पर डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, मोहिन अली, अंबाती रायडू, बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, दीपक चाहर, महेश तेक्षणा और मुकेश चौधरी हमें प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ये बब्बर शेर अपने पहले मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल तक पहुंच पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।